हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हमने कल इसकी हार्वेस्टिंग की थी। अभी भी शायद एक दो ये करेला छूट गया है। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद फिर इसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। इनके देखिए कितने सारे फूल लगे हैं, तो जब खाद डालेंगे उसके बाद इनमें जान आ जाएगी तुरंत। फिर ये सब बढ़ जाएंगे। फूल भी हैं और बेबी फ्रूट भी हैं काफ़ी। ये देखिए वहाँ भी लगा है, वो अभी हम चढ़ के तोड़ना पड़ेगा किसी चीज़ से। करेला वहाँ है, अभी तो हम इसमें खाद डालते हैं। इसमें देखिए चार पौधों के लिए हमने 250 ग्राम लिया है केचुआ खाद, 100 ग्राम नीम खली और 20 ग्राम हमने लिया है। काटना पड़ेगा। 20 ग्राम सुबिको का जाइम है इसमें और 10 ग्राम एप्सम साल्ट है। ये सब हमने मिला दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा गुड़ाई करके ऊपर ऊपर इसमें डाल देंगे। ये पौधे के रूट के बिल्कुल स्टेम पे बगल में नहीं डालेंगे, किनारे किनारे डालेंगे, रूट के किनारे किनारे। इसमें दो पौधे हैं, इसमें डाल देंगे। इसमें ये खाद डाल के रूट चुकी ऊपर तक आ गया है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे ऊपर से, क्योंकि फिर मिट्टी कम होगी तो रूट ऊपर आ जाएंगे तो सूखने का डर है। इसलिए मिट्टी डालेंगे इसमें। हो गया दोस्तों, इस मिर्च में भी डाल दें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फूल आ रहे हैं। फूल आ रहे हैं तो इनको खाद की ज़रूरत है। इसमें भी किनारे किनारे डाल देंगे। देखिए दोस्तों, दो तीन मुट्ठी डालेंगे इसमें। ये दो मुट्ठी हो गया, तीन हो गया। इसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे। अब इसमें फूल आएंगे, उसके बाद ये खाद डालने के बाद वही फूल रूट में कन्वर्टेड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा है, एक पौधे में और डाल सकते हैं। एक इधर तरोई का पौधा है, इसमें डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें भी चूँकि फूल अब आने वाले हैं तो इसमें भी खाद डालना ज़रूरी है। ये दो पौधे हमारे और हैं, इसमें भी बाद में भी डाल देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी कर दें। थैंक यू।